सर सत श्रीकाल जी। सर क्या नाम है? शेर सिंह। शेर सिंह जी, ट्राई सिटी में मैट्रो सेवा उपलब्ध होगी, मैट्रो के आने लोग आम जनता को किन्ना फायदा होगा, किन्ना नुकसान होगा? नुकसान ही नुकसान होना जी, सब तो बड़ा तो पेड़ कट्टे जाएंगे जी। नंबर दो तो वेलिया वास्ते आ, 10 रुपये रहे चलो मोहाली च, 10 रुपये दते पंचकूला, ठीक है जी। बाकी आ पेड़ हुण दोबारा तो लगने नहीं है, किन्ने साल पुराने पेड़ ने, सब तो ज़्यादा पेड़ ही कट्टे जाएंगे जी। बाकी ये है भी सारे मुलाजम ने, सारे को अपने कन्वेस ने, अपना जिन्ने भी स्कूटर मोटरसाइकिल कारा है, मैट्रो की कोई खास जरूरत नहीं है। नुकसान होएगा जी, नुकसान होने होना। जेड़ा बंदा पंचकूले जाता 150 रुपये देता, वह तो 10-20 रुपये चला जाएगा, आटो वाले का नुकसान ही है जी। ज़्यादा नुकसान है, पेड़ ज़्यादा कट्टे जाएंगे जी, सांस थले बह जाने तो फिर कितने रहने पेड़ जी। क्या नाम है? गुरप्रीत। गुरप्रीत जी, ट्राई सिटी मैट्रो सेवा उपलब्ध होगी, मैट्रो के आने का कितना फायदा होगा तो नुकसान की कुछ होगा? मैट्रो के नुकसान है, एक तो ऑटो वाले का मतलब कि ऑटो वाले का तो नुकसान होगा और कुदरत नाल खिलवाड़ होगा, और मतलब कि मानते हो भी इस दरख्त पत्ते वे जाएंगे या जो ऑटो ऊबर कैब वाले ने भी उन्हें ज़्यादा नुकसान हो सकता इस चीज़ के, क्योंकि जो मैट्रो ही आ जाएगी जी। ऑटो का मतलब ऑटो वाले का नुकसान होगा, मतलब कि जो ट्रेन का मैट्रो को ट्रेन चलाएंगे तो ऑटो वाले का नुकसान होगा। सर क्या नाम है आपका? जवाहर नाम है जी। चंडीगढ़ ट्राई सिटी को मेट्रो सेवा जल्द उपलब्ध होगी, मेट्रो के आने पर आम लोगों का क्या फायदा होगा और जो ऑटो कैब रिक्शा सब चला रहे हैं उनका क्या नुकसान? आम लोग का, हम लोग का तो नुकसान है सर, इसलिए कि मेट्रो बनने के बाद हम लोग का नुकसान है, सब मेट्रो का में घूमेंगे तो हम लोग तो ऐसे बेकार हो जाएंगे, ओला उबर से निकलने से सब ऑटो का काम खत्म हो चुका हुआ। कितना नुकसान लगता है कि मेट्रो के आने से आम लोगों को? आम लोगों को बहुत ज़्यादा होगा, कि जैसे कि पब्लिक के तो उनको सेपरेट चाहिए, वो तो जल्दी जाएंगे कि चलो मेट्रो से हम निकल लेंगे, हमारे लोग के तो काम पिट जाएगा। मेरा नाम गगनदीप सिंह है। सर ट्राई सिटी के बीच मेट्रो सेवा जल्द उपलब्ध होगी, मेट्रो के आने के नाल की कुछ फायदा होगा तो की कुछ नुकसान? एक तो फायदा ये मेट्रो का फायदा भी है तो नुकसान भी है, जेडे ऑटो वाले मेरे वीर ने जेडे बेरोजगार हो जाएंगे, फिर इन्हों जो भी आमदन आँदी आ जोड़ा भी इन्हों का घर बार चलता जी, फिर वो चलना बंद हो जूगा, क्योंकि घट पब्लिक हो जूगी, क्योंकि मैट्रो तो फिर ज़्यादा चलते हैं, मैट्रो का यह फायदा भी आ जाने कि घट पैसे भी चल सकते, जाने कि इन्हों ऑटो ना घट चलता जी। हाँ मैट्रो बचत उ करके इन्होंने मैट्रो चलाई है ना, जो ऑटो का नुकसान है भी ऑटो वाले भी फिर ज़्यादा मंगते ना, इस करके फिर मैट्रो इन्होंने चलाई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है जी। ट्राई सिटी को मेट्रो सिटी मेट्रो जल्द उपलब्ध होगी, मेट्रो के आने पर क्या कुछ फ़ायदा होगा क्या कुछ नुकसान होगा? सर इसमें तो देखिए मेट्रो आने से तो हम लोग का जो है नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी गाड़ी वगैरह आएंगे जाएंगे, पब्लिक भी आएंगे जाएंगे तो वो तो सारे तो ऊपर ऊपर से ही जाएंगे, हम लोग तो नीचे रहने वाले हैं तो नीचे तो आएंगे नहीं, जो हम लोग को दो रुपये आमद भी हो सके, इसलिए मान लो कि मेट्रो के आने आने पर जो ड्राइवर है ऑटो रिक्शा उनके रोज़गार में फ़र्क पड़ेगा जी, बहुत फ़र्क पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग मान लीजिए नीचे वर्ग के आदमी हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑटो चला के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो इसमें जो है मान लिया जाए अगर मेट्रो आ जाएंगे तो हम लोग का तो रोजी रोटी बिल्कुल ही सोचे तो एक तरह से कम ही हो जाएगा, क्योंकि अब मान लीजिए अभी नीचे आदमी चल रहे हैं तो 10-20 रुपये करके तो इकट्ठा हम लोग को हो रहा, अब मेट्रो आ जाएंगे तो सारे लोग तो ऊपर ऊपर चलेंगे तो नीचे तो आएंगे नहीं, जो हम लोग का बेनिफिट आएगा। अनिल जी, ट्राई सिटी को मेट्रो जो सुविधा है वो जल्द उपलब्ध होगी, मेट्रो के आने पर लोगों का कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा? एक्चुअल सर कोई ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक तो सिटी छोटी है, ठीक है, यहाँ अपनी अपनी कन्वेंस पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं बंदे, अकेला बंदा भी तब भी 7 सीटर लेके चलेगा। मानते हो कि मेट्रो के आने पर जो ऑटो रिक्शा उबर कैब वाले हैं उन्हें नुकसान होगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो गलियों में थोड़ी जाएगी, वो तो पॉइंट टू पॉइंट ही छोड़ेगी ना, उसके बाद तो मेट्रो आपको दिल्ली में कितना फ़र्क पड़ा ऑटो को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दिल्ली में एज इट इज चल रहे हैं, ऐसे ही यहाँ चलेंगे। सर आप
सर आपका क्या नाम है? विनोद कुमार है। विनोद जी, ट्राई सिटी में मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी, लेकिन मेट्रो के आने पर आम जनता को क्या कुछ फ़ायदा होगा और क्या कुछ नुकसान? देखिए, सिटी छोटी होने के नाते मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा इनको समझना चाहिए, उसे दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सिटी होने के कारण यहाँ पे लोग ज़्यादा कन्वेंस अपने पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उसमें समय का भी बचत हो जाएगा, अपनी कन्वेंस के हिसाब से बंदा कभी भी चल सकता है। उसके लिए मेट्रो में जाने के लिए आपको लाइन में लगना, ये सब कुछ बराबर, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। मेट्रो बनने पर जो वृक्ष हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, डेफिनेटली ये चीज़ जो चंडीगढ़ की जो क्लियरिटी है, जो जिसके लिए जाना जाता है चंडीगढ़, उसके लिए बहुत हरार की है, और मैं नहीं चाहता कभी भी ग्रीनरी इस चीज़ के लिए वर्ड जो है, तो बेटर देन कि एक बार गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर बेटर पोजीशन ये है कि पेड़ ना कटे तो ज़्यादा बढ़िया है। ट्राई सिटी को मेट्रो सेवा जल्द उपलब्ध होगी, क्या कुछ फायदा? बहुत फायदा होगा सर, लोगों को और भी फैसिलिटी मिल जाए ट्रांसपोर्ट का, इससे बढ़िया क्या होगा कि और डिसिप्लिन हो जाएंगे, और भी हाई प्रोफाइल सिटी हो जाएंगे, लोग रहना पसंद करें, चंडीगढ़ आना पसंद करें, टूरिस्ट बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे। और इसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान कुछ नहीं, हार्मफुल कुछ नहीं है, हेल्पफुल है। लोग चाहेंगे वह फॉरनर्स भी आते हैं, हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट भी चंडीगढ़ रहना पसंद करते हैं आना, कि चंडीगढ़ हम देख के आए कैसा सिटीज़ है। लेकिन जो ऑटो रिक्शा कैब नहीं, देखिए ऑटो रिक्शा भी ठीक है, उनको अगर पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको इंक्वायरी किया जाए कि उनका वेरिफिकेशन किया जाए, उनका आई कार्ड आधार कार्ड लिया जाए, इससे बेहतर है, इससे बेहतर सिटी बन जाएगी।